राशन से थोड़े जीवन पार हो जाएगा। राशन क्या चीज है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोजगार, दो करोड़ रोजगार में कितनी बार निकली, कितनी भर्तियां हुई, ये भी तो देखना है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते भी हैं। अच्छा। जिन जिन राज्यों में उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। भाजपा में आधे ज्यादा झूठे लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी भी झूठे हैं? बिल्कुल 100%। क्या झूठ बोल दिया? 15 लाख। 15 लाख कहाँ गया भैया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अभी कुछ नहीं मिला रोजगार। उम्मीद है इस सरकार? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं। तो क्या बदलाव होगा? क्या होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, हम लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? बहुत। 30 लाख नौकरी का दावा किया राहुल गांधी ने। देंगे वो? अच्छा, पूरा करेंगे। जो रायबरेली का नाम आ जाए सोनिया गांधी के नाम से। जी भी 2 करोड़ कहे नहीं दिया, सब लीक हो रहा। हम इस वक्त चुनावी कवरेज पर निकले हुए हैं और चीज़ों को और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहां पर खड़े हुए हैं ये रायबरेली और अमेठी का बॉर्डर लगता है। इस ग्राम सभा से आप उधर जाएंगे तो आप अमेठी में पहुंच जाएंगे और इस वक्त हम रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करें क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहाँ से उनके खिलाफ जो ताल ठोक रहे हैं वो दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री भी हैं। क्या कुछ माहौल, हम बातचीत करने की कोशिश करें। क्या भाई, क्या लग रहा है रायबरेली, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, अमेठी और रायबरेली जुड़ा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? सर, यहाँ पे राहुल गांधी के माहौल है, राहुल गांधी ही जीतेंगे। अच्छा, काहे राहुल गांधी जीतेंगे? क्योंकि सर कांग्रेस ने हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं, बहुत सारी व्यवस्था हमारे यहाँ को दी है। अच्छा, इसीलिए उनका ही विजय होगा। राहुल गांधी का विजय होगा। काहे राहुल गांधी जीतेंगे भाई? अरे, जीतेंगे, अच्छे काम करेंगे वही जीतेंगे। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं 5 किलो राशन पहुंचा रहे हैं। अरे, 5 किलो राशन से क्या होगा, जो 2000 का सब चल डालेंगे क्या होगा? अरे, मोदी तो वो ले रहे हैं सब कुछ। क्या ले रहे हैं? अरे, ले के आ रहे हैं। बताओ, हिचकिचाओ मत, खुल के बताओ। हिचकिचाए का आ रहे हैं? राहुल गांधी यहाँ से विजयी हैं, 4 लाख ऊपर। अरे, किसी का राशन से थोड़े जीवन पार हो जाएगा? राशन क्या चीज है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात तो मोदी जी ने भी कही थी। तो 2 करोड़ रोजगार में कितनी बार निकली, कितनी भर्तियां हुई, ये भी तो देखना है। अच्छा, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते भी हैं। अच्छा। जिन जिन राज्यों में उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया और जो वादा कर रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो पूरा करेंगे। अच्छा, जो प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कह रहे हैं कि हमारा तो जलवा नथिंग है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा पड़ती है? ये उचाहार विधानसभा। अच्छा, उचाहार विधानसभा, मतलब मनोज पांडे वाली जी। तो बता चल रहा बीजेपी में जाने वाले हैं, तो क्या लगता है? जाने वाले हैं, वो अपना अपना मत है भाई, राजनीति में कोई कहां जा सकता है, इसको कोई रोक थोड़े है। तो ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है कि मनोज पांडे के आने से दिनेश प्रताप सिंह मजबूत हो जाएंगे, ऐसा है क्या? वो अपनी अपनी वो है, अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का जी, मतलब राहुल गांधी ही जीतेंगे यहाँ से? एकदम श्योर, 100%। लगभग मार्जिन कितना रहेगा? कम से कम 2.5 लाख। 2.5 लाख जी, मतलब 2.5 लाख जीतेंगे जी। और ये वर्तमान प्रत्याशी जो इससे पहले भी प्रत्याशी बने थे, पिछली बार से कम वोट पाएंगे? अच्छा जी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा माहौल है इनका, वो वर्चस्व नहीं है, काम भी देखती है ना जनता। आज रायबरेली की पहचान मात्र कांग्रेस की वजह से है। कहीं भी जाओ आप बाहर, तो रायबरेली का नाम अगर लो तो लोग कहते हैं सोनिया गांधी का इलाका। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया भी है। हाँ। इतने बड़े बड़े प्लान ला के छोड़ दिया, दूसरा नहीं लाएगा। हाँ। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे थे कि बीजेपी वालों ने एम्स के कई बेड शिफ्ट कर दिए गोरखपुर में। अब जो किए हैं, बहरहाल एम्स का विस्तार कांग्रेस के जाने के बाद हुआ नहीं। हाँ, जो विस्तार हुआ कांग्रेस के टाइम में। जी जी जी। तो क्या लग, मतलब ये सीधे तौर माना जाए कि अब रायबरेली में अगर बात करें तो राहुल गांधी को कोई छू नहीं पाएगा है? कतई सवाल ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा, कतई नहीं। अच्छा, बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, भाजपा में आधे ज्यादा झूठे लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, मोदी जी भी झूठे हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, क्या झूठ बोल दिया? 15 लाख। हाँ, और 15 लाख कहाँ गया भैया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 10 साल में 20 करोड़ होते हैं, 20 करोड़ में कितनी भर्तियाँ हुई? तो पेपर लीक हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो तो सरकार किसी और की सरकार थोड़ी, क्यों लीक होता है? इनको देखना चाहिए ना, क्यों लीक होता है? सरकार इनकी है, इनका ध्यान देने का कर्तव्य बनता है, लीक होने का क्यों? भाई, हम लोगों के अंडर में तो है नहीं उसका पेपर, है तो इन लोगों की गवर्नमेंट के अंडर में, क्यों लीक हो जाता है? दादा, हाँ, ये बताओ का माहौल अब की है रायबरेली के? यहाँ कांग्रेस के अलावा नहीं कोई सरकार बने, यहाँ से कांग्रेस है, जीता है हमेशा और जीतेगा। काहे कांग्रेस जीतवे? हाँ, जीतेगा भाई। काहे जीती, काहे?
अरे यहाँ अब कर्जा माफ के यहाँ तो कहन की कर सुकाय दे अब कर्जो नहीं माफ केहन बोले रहे ना मोदी जी की कर्जा माफ कर बे किसानों का नहीं माफ के हैं वही और कांग्रेस तो माफ किया रहा एक बार मतलब किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी पार्टी है बीजेपी नहीं है हाँ। वो किसानन कर्जा और जब माफ कर देते हैं ये नहीं माफ करते हैं नहीं, नहीं ये तो किसानन का सड़क में बैठा देता है दिल्ली में बैठा अब इतने गोरू छूटे कि सारा दिन ताकत रहो अच्छा भाई बोलो कहाँ जा रहे हो बड़ा बोल रहे थे कांग्रेस कांग्रेस के बारे में आओ अच्छा गुटखा खा रहे हो का हाँ गुटखा खा रहे हैं तो बताओ माहौल का है माहौल बहुत अच्छा है अच्छा किसका माहौल अच्छा है हमारे कांग्रेस पार्टी का माहौल बड़ा बहुत अच्छा है अच्छा हाँ बीजेपी के नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा भाई कहा तो पैसों दे ही थे हम राशनों दे ही थे तो राशन पैसा दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं हमारी जनता को तो दे रहे हैं पैसा हाँ किसका दे रहे हैं पैसा जो कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो अच्छा हाँ मोदी जी मतलब जो कहते वो करते नहीं करते नहीं है कुछ भी नहीं करते राहुल गांधी जो कहते हैं करते हैं राहुल गांधी कहें 8,500 रुपया महिलाएं दूंगा कहा हाँ भरोसा है उन्होंने कहा बिल माफ करा देंगे बिजली का वो भी भरोसा है और 30 लाख की बात जो कर रहे थे नौकरी देंगे 30 लाख युवाओं को वो कह रहे थे जो कहेंगे वो करेंगे हाँ मोदी जी जो उन कहते हैं वो कहते हैं उल्टा सीधा कहते हैं भरोसा तोड़ देते हैं बस अब की बार भरोसा नहीं मोदी पर नहीं भरोसा नहीं नहीं भरोसा नहीं बिल्कुल भरोसा नहीं अच्छा आप किसान हो हाँ मैं किसान हूँ रात में टार्च लेके टहल रहे थे देखो पहले मैं किसान हूँ क्या करता हूँ मैं हाँ ईंटा गारा करता हूँ मैं और खेत ताकत नहीं लगा खेत है ही नहीं है तो क्या करें खेते नहीं है खेत नहीं ना खेते एक बिसुआ नहीं ना तो प्रधान पट्टा वट्टा नहीं करेंगे कॉलोनी दूंगा ये करेंगे वो करेंगे हमारे पास ना कॉलोनी है ना कुछ नहीं हमारा घर देख लीजिए आप कैसा घर है पक्का कच्चा नहीं हमारा कच्चा घर है पक्का है ही नहीं है तो मोदी जी तो कह रहे सबको पक्का मकान दे दिया है पक्का हमारा मकान दिखाएं चले हमको नहीं मोदी जी से यहाँ जांच करा ले पूछो कैमरे पूछो मोदी जी से हाँ तो मोदी जी बताएं ना हमारे लिए कुछ हमको मोदी जी कैसे कोई लाभ मिला हो तो हमको बताएं कोई लाभ दिया हो कांग्रेस से देखो अभी तक तो हमको मालूम नहीं था मगर क्या है कि विश्वास है हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि हाँ हमारा भरोसा है अब की हम वहीं से चलेंगे कांग्रेस से जाएंगे कांग्रेस कहाँ है कांग्रेस तुम तो नेता बन गए हाथ वाथ जोड़ने लगे हैं नेता नहीं बन गए हम लोग मजदूर आदमी है लेबर आदमी है काम कर रहे हैं बढ़िया आदमी है आदमी है कांग्रेस है बढ़िया आदमी है राहुल गांधी बढ़िया आदमी है मोदी जी अरे वो बेकार है बेकार कुछ नहीं करा वो कुछ नहीं करा है अच्छा क्या करता है फिर वो अब करता क्या जनता का आंख में धूल झोंक दी बस कुर्सी पर आ गया चलो साइड हो गया और क्या खाली कुर्सी से मतलब है खाली कुर्सी बनी रहे बस तो आपकी कुर्सी पर रही है मोदी जी ना रही है क्या लागत आपकी आंखों पता नहीं अब क्या होता है देखो क्या लागत है लेकिन तुम तो जाइयो कांग्रेस की तरफ आए देखिए इधर लोग हैं देखिए कुछ युवा साथी कहो भाई रोजगार मिला कि नहीं मिला अभी कुछ नहीं मिला रोजगार उम्मीद है इस सरकार में उम्मीद तो नहीं है उम्मीद नहीं है नहीं। तो क्या बदलाव होगा क्या होगा बिल्कुल बदलाव होगा अच्छा, हम लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं अच्छा राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुन रहे हो बहुत लहर 30 लाख नौकरी का दावा किया राहुल गांधी ने देंगे वो अच्छा पूरा करेंगे जो रायबरेली के जो रायबरेली का नाम आ जाए सोनिया गांधी के नाम से मोदी जी भी 2 करोड़ कहे थे नहीं दिया सब लीक हो रहा है राहुल गांधी कहें 30 लाख दे अरे कुछ नहीं देंगे हमारे संजय बाबा पूछिए इनसे बताइए संजय जी ये तो संजय नाम भी बता दिया आपका क्या माहौल है यहाँ रायबरेली राहुल की भाषा जो है केवल गलत है किसकी राहुल जी की अच्छा बाकी बाकी जैसे अभी बोल दिए कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे उनकी भाषा केवल लैंग्वेज गलत है बाकी जो है हम लोग राहुल जी को ही वोट देंगे अच्छा अखिलेश यादव की वजह से देंगे यही बता अखिलेश समर्थक हो आप जी इसीलिए दोगे वोट हाँ। अच्छा क्या लगता है जो राहुल गांधी और मोदी जी को एक के अलग अलग खड़ा करा दिया जाए तो राहुल गांधी जो बोलते हैं मोदी जी जो बोलते हैं किसकी बातों में सच्चाई लगती है कि सच कौन बोल रहा है ये झूठा है मोदी झूठा है अच्छा इतने सुनिए इधर मेरी शिक्षा मित्र है इसने जो है बहुत पहले वादा किया जब पहली बार इसकी सरकार बनी 2014 में इसने बनारस से कहा था कि शिक्षा मित्रों की जो हम अलग व्यवस्था कर देंगे आज तक माधरचोद सुप्रीम कोर्ट तक ये नहीं गए कि मेरी फाइल जो है पास करवा देंगे आज वही शिक्षा मित्र 40,000 पाने वाले 39,800 रुपये कुछ थी तनख्वाह इन्होंने कोई सपोर्टर नहीं किया सरकार से लड़े ही नहीं ये विभाग जनता के लिए नहीं लड़ सकते जज से नहीं लड़ पाए जनता के लिए नहीं लड़ पाए तो आपकी कहा मोदी प्रधानमंत्री बनी आई डोंट लाइक यू डोंट लाइक मोदी जी
यू लाइक राहुल गांधी जी है? जी पक्का सुनो हाँ। हम लोग भी यार डेली मार पे उसकी क्या उम्र है 40-50 साल की उसकी उम्र को भी है लौंडा यार ठीक है राहुल गांधी लौंडा है ठीक है लौंडे को जिताओ लेकिन सुनो लौंडे को जिताना नहीं है लौंडा आज तक किसी ने किसी की हिम्मत हुई पड़ी वो जो डायरेक्ट मोदी को गाली दे दे मोदी से बात कर ले आप गाली आप दे दोगे हैं मैं नहीं दूंगा लेकिन राहुल गांधी एक सपोर्टर ऐसा है कि जो मोदी डायरेक्ट लड़ता है डायरेक्ट मोदी को चुनौती देता है चुनौती देता जी मतलब लग रहा है बंदे में दम है हाँ बंदे में दम है दम है मतलब जीतेगा जिताऊंगा यहाँ से रायबर जिता के भेजूंगा अच्छा जी लेकिन कह रहे दिनेश का माहौल टाइट है सुनो वो भी हमारे सगे रिश्तेदार है अच्छा दिनेश सिंह हमारे सगे रिश्तेदार है अच्छा नहीं जीतने दूंगा तो दिनेश का वोट ना दो रिश्तेदारी ना नहीं 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 क्या बात मतलब रिश्तेदारी दिनेश सांसद ही बनेंगे ना सांसद बनेंगे इनका कुछ चले क्या लेकिन विरोधी जो है मजबूत होना चाहिए विरोध होगा करेंगे जो तो राहुल गांधी करेंगे राहुल गांधी सही सवाल उठाते हैं जी अच्छा देखिए और भी यहाँ लोग हैं क्या भाई क्या लगता है राहुल गांधी या फिर क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है राहुल गांधी या फिर हम हैं हिंदू अच्छा और हम हिंदू को देंगे अच्छा? हिंदू का मतलब है कि मोदी की वजह से आज ना पाकिस्तान बोल पा रहा ना कुछ भी बोल पा रहा ठीक है ना पाकिस्तान के औकात है कि यहाँ पे आके पाकिस्तान कहाँ से आ गया हम देश की बात प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे हमको संसद से नहीं मतलब है हम मोदी को दे रहे हैं वोट क्या मोदी हम मोदी को दे रहे हैं हिंदू फर्जी बात करो चाचा का देश की बात करो तुम पाकिस्तान हम हिंदू हैं हम भाजपाई अच्छा हिंदू हम भाजपाई ठीक है अब आते हैं अब सवाल पर आते हैं हम पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया पाकिस्तान इसलिए आ गए पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिया मोदी ने अगर कांग्रेस यहाँ पे ऐसा क्या किया एक मिनट बताओ तो मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए क्यों नहीं खट्टे हो गए क्या किया मोदी ने नहीं क्यों नहीं हुए ये बताओ बताओ ना क्या ऐसा किया मोदी ने मर्डर हुआ यार क्यों नहीं हुए ये बताओ पहले कितना बहन बेटियों ने मोदी जी ने क्या किया मोदी जी पहले बताइए अभी भी एनसीआरबी का रिपोर्ट आ रहा है देखो जब से मोदी आए हैं तब से मैं दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ योगी जी की मोदी जी की मोदी जी की विदेश नीति हमको सो फार सो गुड मोदी जी की विदेश नीति सो फार सो गुड मोदी की वजह से ही भारत का पूरा नाम है हर जगह अच्छा, मोदी के पांच काम बताओ मोदी के पांच काम मोदी का क्यों रोड की सड़कें हाईवे एक्सप्रेसवे कितने लाए हैं नितिन गडकरी गरीबों को नहीं ध्यान दे रहे हैं उनको राशन नहीं दे रहे हैं 5 किलो राशन नहीं पहले बात सुनिए फर्जी बात मत करिए आप अपना बोल रहे हो हम अपना बोल रहे हैं 5 किलो राशन का तो बड़ा विरोध कर रही जनता क्या विरोध कर रहे 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार लेने नहीं जाते लेने भले ही जा रहे हैं लेकिन पाँच अगर आप पढ़े लिखे रहोगे तभी तो आपको नौकरी मिलेगी अच्छा, मतलब जो यूपीपी वाले थे एक मिनट बताओ उनको अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अरे हमारी बात तो सुनो यार तुम अपनी बहुत बोल रहे हो ये बताओ जो यूपीपी का पेपर देने बच्चे गए जो आरओ का पेपर देने गए जो नीट का पेपर देने गए जो आईसीएससी का पेपर देने गए क्या पढ़े लिखे नहीं थे क्यों पढ़े लिखे तो उन्हीं का निकलेगा पढ़े लिखे नहीं थे जो पढ़े लिखे पढ़े लिखे थे कि नहीं थे ये बताओ पहले जो सवाल दरोगा भर्ती नहीं हुई सवाल का जवाब दो दरोगा भर्ती नहीं हुई है सवाल का जवाब वही तो निकलेगा कि जो यूपीपी प्रिपेयर करते पढ़े नहीं थे जो पढ़े थे वही तो उनका रिजल्ट आया पेपर लीक हो गया पेपर लीक हो गया वो तो किसका पेपर लीक हुआ पेपर लीक रिजल्ट किसका है ये बताओ क्या मोदी ने लीक करवाया है प्रशासन की लापरवाही है ना प्रशासन किसका सारे सुनिए क्या रहे तो कैसे ना हो यार लीक कैसे हो गया वही तो लीक कराएगा जिम्मेदार तो वही होगा इंटर पास भर्ती कहाँ हो रही है करावा ड्यूटी यार पढ़े तो हम इंटर पास हाई स्कूल कहाँ बैठो वो ताके रही कहा सारा पढ़ोगे लिखोगे नहीं कहाँ से पेपर पढ़े लिखे सर्टिफिकेट सबको लिए एक भाजपाई जनता के सवालों के बीच फंस गया दो दो सवालों का जवाब दो जो पूछ रहे पूछो अरे हम इनसे क्या पूछेंगे क्या कह रहे हो भाजपा से हैं अच्छा हाँ हम पूरा समर्थन करते हैं किसका समर्थन करते भाजपा का क्यों समर्थन करते हैं भाई हमारे मन की बात है अच्छा हम करते हैं मन की बात इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात है बुरा क्यों लगेगा किसको बुरा क्यों लगेगा मन है हाँ हमारा मन है हम अपना समर्थन करते हैं मतलब एक, 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 एक मेरी बात तो सुनो ये बताओ मतलब किन किन मुद्दों को लेकर मोदी अरे जी को मुद्दे या की बात नहीं होती है हाँ। आज हमारा जो ये भारत है हाँ।
किस प्रॉब्लम पे था, कहाँ पे था, ये आपको किस पता पे था, किस 14 पे था, 14 पे था, किस प्रॉब्लम में था, 14 पे था, आवाज कहाँ आया है, कहाँ पे आया, आज मान के चलो 4 पे आ गया, कहाँ कहाँ 4 पे आया, किस चीज में 4 पे आया, अरे पूरा भारत, पूरे दुनिया भर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत गिर गया, प्रेस कहां से गिर गया है, कहां से गिर गया, ए भाई साहब, भाई साहब एक बाद में कहें, पीछे के नंबर से 126 नंबर पे आ गया है, आप कह लेना भाई, आप कह लेना, आपका हक है, किस मामले में हुआ 4 नंबर पे भारत, हमका कहते हैं ये है जो गुंडई थी, आज गुंडे लोग जो हैं, हाँ। बुरा ना मानो, हमको चाहे मारो चाहे गरिया, कोई बात नहीं, अरे कौन मारे गए, उनको बुरा लगता है, हाँ। कि आज ये साला मोदी बैठा, अगर हम गुरुआ करते हैं, अच्छा। तो मार देगा, सोनिया अच्छा। गांधी पिछली बार, हाँ। जीत के गई, एक बार भी आई रायबरेली, हाँ। ये बताओ सवाल पे बात करते हैं, आप कह लीजिए, नहीं आपके बात में हम नहीं, एक मिनट पहले सुन लेते हैं, हमारे पास भी आते हैं, आप लोग यहाँ के हैं, हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बोलो बोलो बोलो, तो भाई हम ये कहते हैं कि क्या गलत है मोदी, क्या गलत है, हम क्यों बताएं गलत है, आप बताओ ना गलत सही, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए सच है, क्यों गलत सच है? नहीं है, क्यों सच है, हमारे लिए क्या गलत किया है, क्या गलत, गलत सही की बात नहीं, क्यों भाई, 2 नंबर का मेरे पास पैसा होता, हाँ। तो गलत मोदी था, अच्छा सारे 2 नंबर वाले तो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, अरे भाई कांग्रेस, अजीत पवार चले गए, एक आपकी कितनी उम्र है, मेरी उम्र से, मेरी उम्र से क्या मतलब भाई, भाई आप बुरा मान रहे हो, आज तक भाजपा वालों की कभी जो है चिकिंग हुई किसी भाजपा वाली सरकार के, जो भी उनके ईडी गई किसी भाजपा वाले, क्या बताओ, आप बोलो भाई, क्या हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं जितना ये पढ़े हैं, तभी तो सही जानकारी नहीं है, देखिए और लोग भी बात करें भाई, क्या है क्या माहौल बताइए भैया, हम पढ़े लिखे नहीं, तो जवाब दो, क्या है कुछ नहीं, हम किसको दोगे वो ये बताओ, चलो क्या क्या, अरे यार तुम बोलो, आओ तुम, आओ बोलो, बोलो तुम, आओ इधर, पहली बात तो सुनो इधर जी, कितना पियो, पिए बैठे क्या, कितना पियो, अरे आप गलत सोच रहे हैं, गलत सोचे, गंध आ रही तुम्हारे मुंह से, बताओ ना, मैंने भगवा गमछा हो पियो दारू, ठीक अब बोलो, कौन कह रहा दारू पिए, आप कह रहे हैं, ये मुंह में स्मेल आ रही, मुझसे क्या बात कर रहे हो, एक मिनट, मैं कोई गलत शब्द बोल रहा हूँ, नहीं दारू पियो कि नहीं पियो बताओ पहले, हाँ ना, कैसे कहते हैं हम दारू पिए, हम आपको गलत शब्द, कोई कुछ भाई जी, कोई गलत शब्द बोल रहे हैं, नहीं गलत नहीं बोल रहे हो तो ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बात करो ना, उसे क्यों भिड़ रहे हो, नहीं भिड़ किसी से नहीं भाई, हमारे सब भाई, हम किससे भिड़ेंगे, आप दो अपने सवाल, ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई है कि नहीं, काहे की, एक बात बताइए कि एक गरीब आदमी 100 रुपए का खाना खाता है, गरीब कौन है, कौन गरीब है, एक आदमी 100 रुपए खाना खाता है, 100 रुपए 80 रुपए क्वार्टर बीतता है, वो गरीब है, अब एक तुम कितने क्वार्टर पियो ये बताओ, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो अलग हैं, देखो तुमसे बात करना ठीक नहीं है, तुम अभी नशे में हो, जब नशे से उतर आना, अच्छा कोई गलत बात बोल रहे हैं हम, तब बात करना, चलो ठीक है, हम गलत है कि जैसे जो बच्चों को आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के बहाने दिया जाता है, प्राइमरी के माध्यम से दिया जाता है, ये बंद कर दिया जाए, उतना बच्चों को जो पढ़ाने में मास्टर का जो डिस्टर्ब हो जाता है, सबको लाइन से लगवाओ, बिठाओ, ताली बिछाओ, सबको खिलाओ पिलाओ, ये गलत बात है, अरे उनकी जो है उनके पर्सनल खाता में भेज दो आप पैसा राशन का, क्या गलत बोल रहे, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कुछ और लोग भी इनसे बातें, क्या भाई क्या माहौल है रायबरेली का, रायबरेली का माहौल तो कांग्रेस में है पूरी तरह से, अच्छा पूरी तरह से कांग्रेस में है, यहाँ एक माहौल सा होता है, हाँ। कि कांग्रेस ही कांग्रेस रहती है, हाँ। हालांकि जो बीजेपी कैंडिडेट है वो भी जमीनी स्तर के हैं, यहाँ के लोकल हैं, अच्छी पकड़ है, वार्ड तक पकड़ है उनकी, तो कहीं चीज मैंने देखा हरचंदपुर में, वो अपना वार्ड तक हार गए थे, अपने गाँव का वार्ड हार गए थे, अब हो सकता है, लेकिन इस बार जो माहौल है हो सकता है कि टक्कर हो जाए, क्योंकि अब मेहनत भी कर रहे हैं काफी ज्यादा, क्या लग रहा दादा आपको, क्या लग रहा है इस इलेक्शन में, लग रहा है कि माहौल ठीक दिख रहा है, किसका माहौल ठीक है, कांग्रेस का, कांग्रेस का माहौल ठीक दिख रहा है, आपको क्या लगता है दादा क्या माहौल, भाई आदरणीय राहुल जी जो है यहाँ से अगर जीतते हैं तो पूरे भारत में इसका संदेश जाएगा, अच्छा। कि रायबरेली से जीत के गए एक प्रधानमंत्री के दावेदार, दूसरी चीज महंगाई, जैसे सिलेंडर हो गया, अभी वो देखो कह रहे थे महंगाई है ही नहीं, सिलेंडर हो गया, आम आदमी के पास 1200-1300 रुपए नहीं हो पाता, प्लस बच्चों का फीस जो है निजीकरण जो कर दिए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए,
कि आम पब्लिक जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ये सब राहुल जी को देखना चाहिए। और क्या कहूँ, और तो लड़ाई है ये भाई, लड़ ही रहे। यही स्मृति ईरानी अमेठी में बैंगन लात के जो है अपने गले में बैंगन लेके चलती थी, महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल इतना महंगा। आज हम बता सकती हैं कि महंगाई क्यों बढ़ गई। गाली नहीं, गाली मत दो, गाली कैमरे के सामने गाली है। लगता है वो तो 13 रुपए किलो की चीनी की बात कर रही थी, 13 रुपए किलो चीनी दिलाएंगे। ले आप कितनी बार खरीदी? मैं आपको, हम तो 44 रुपए खरीद रहे हैं, 44 रुपए खरीद रहे। तो फिर ये तो किराना दुकान में क्या रेट है चीनी हो? 44 रुपए किलो। 44 रुपए बैंगन कितने रुपए? बैंगन तो अभी नहीं खरीदा, बैंगन लात के चलती थी स्मृति ईरानी। जी के बारे में बताइए आप, बैंगन आज की डेट में क्या है? आपको आप भी कहते होंगे, क्या रेट में मिलता? नहीं अभी तो हमने हाल फिलहाल नहीं खरीदा, अभी तो बाहर ही होंगे। खरीद देखिए एक बार, यहाँ दिला दें। यहीं हालत खराब है, महंगा है, महंगा है। बताओ क्या रेट है? क्या रेट है बैंगन? करीब 30 रुपया का आधा किलो है। यही बैंगन लात के लिए चलती थी। इनको बता दीजिए, टीवी चैनल पर हमको दिखाइए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर के हिस्से में हम मौजूद थे और यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, और लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ये अपने आप में मुद्दा है ही है, लेकिन यहाँ पर जो रायबरेली के बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली, रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पर, वो यही देखने को मिली कि यहाँ पर स्थितियाँ कैसी क्या